हाय, हाउ आर यू? आई एम योर फ्रेंड आरजे, वंस अगेन विद यू विद द न्यू सेशन ऑफ वोकैबुलरी फ्रॉम द हिंदू। चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज अपने पास में सबसे पहला वर्ड है डैम्पनर। डैम्पनर का मतलब होता है बेटा किसी को क्या करना, हतोत्साहित करना। हतोत्साहित मतलब उसको हम लोग एक तरीके से डिस्करेज कर रहे हैं। ये आपके पास एक सिंपल सा वर्ड है जो मीनिंग कन्वे करेगा क्या करने के लिए, डिस्करेज करने के लिए। किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिमोटिवेट कर रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं, तो वो उस सेंस में हम लोग डैम्पनर वहाँ पर यूज़ करते हैं। अ थिंग दैट हैज़ अ रेस्ट्रेनिंग और सबड्यूइंग इफेक्ट, यानी कि उसकी वजह से कोई इफेक्ट जो हो रहा होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे कि लेट सपोज अब यहाँ पर ये कुछ लगाया हुआ है, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो इम्पैक्ट होगा वो या तो ये अब्जॉर्व कर ले और उसकी वजह से जो इम्पैक्ट आना था बेटा वो नहीं आएगा। जैसे ही यहाँ से इस पर क्या होगा, हिट किया जाएगा, तो वो इम्पैक्ट जो आना चाहिए था वो नहीं आएगा, वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। वहीं पर इनहिबिटर डिमिनिश, आप वहाँ पर उन चीज़ों को क्या कर रहे हो, खत्म कर रहे हो उन चीज़ों को, ठीक है, डिप्रेजेंट वहाँ पर कर रहे हो आप लोग, वहाँ पर सप्रेसेंट वहाँ पर हो रहा है, मॉडरेशन हो रहा है। मॉडरेशन मतलब एक तरह से कम हो रहा है, मॉडरेट मतलब कम, या फिर नॉर्मल हम लोग कह सकते हैं। मॉडरेट का एक मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर कम करना हम लोग लेंगे। रेस्टेंट हो गया, डैम्पर हो गया, वेट ब्लैंकेट। वेट ब्लैंकेट मतलब कोई थोड़ा सा उदास होता है, परेशान होता है, तो उसके लिए भी हम लोग वेट ब्लैंकेट यूज़ करते हैं बेटा, ठीक है। चेक हो गया, स्पॉइलर। स्पॉइलर मतलब हम लोगों ने उसको क्या किया है, खराब किया है, स्पॉइल किया है, ठीक है, स्पॉइल। हिंड्रेंस वहां पर हो गया, कॉन्स्टेंट हो गया आपके पास में। कर्टेलमेंट, कर्टेल आपके पास जो वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है चीजों को एडिट करना, या फिर कुछ चीजों को हो सकता है रिमूव करना भी, एक इसका एक मीनिंग हम लोग पॉसिबली एक मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। ऑब्स्टिकल, ऑब्स्टिकल जो वर्ड होता है बेटा, ये यूज होता है प्रॉब्लम्स को लेके, ठीक है, तो प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग इस वर्ड को यूज करते हैं। ऑब्स्टिकल, सेटबैक, पीछे जिसकी वजह से हमें हटना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस वहां पर लगी होती हैं, तो ये सारे के सारे वर्ड आपके पास में डैम्पनर, जिसकी वजह से कोई आपका जो इम्पैक्ट है या कोई चीज में आपकी जो प्रोग्रेस है वो कम हो रही है या फिर रुक रही है, तो वहां पर हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं डैम्पनर, ठीक बेटा। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता हो, जिससे थोड़ा सा इम्पैटस हमें मिल रहा हो, जिससे थोड़ा सा एनकरेजमेंट हमें मिल रहा हो, तो वो चीज़ आपके पास में क्या होगी, डैम्पनर का एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक। तो आपके पास में स्टिमुलेंट, स्टिमुलेंट का मतलब भी मोटिवेटेड, मोटिवेट करना ही होता है या फिर मोटिवेशन होता है। इनहेंसर जो चीज़ों को बढ़ाता है, बूस्ट आपके पास होता है, कैटलिस्ट होगा, एनकरेजर जो होगा, अपलिफ्टर, अपलिफ्टर जो चीज़ों को आगे लेके जाएगा, अपलिफ्ट करेगा, थोड़ा सा ग्रोथ देगा, ठीक है। मोटिवेटर होगा, एक्सेलेटर होगा, एक्सेलेटर मतलब जिसकी वजह से हम लोग लाइफ में एक्सेल करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो वो चीज आपके पास में एक्सेलेटर हो जाएगी, ठीक। वर्ड ये भी प्यारा था, ठीक है, लेकिन ये इस तरह के जो वर्ड आते हैं वो परेशान करते हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग इजीली हमें याद नहीं रहते, ठीक। अब यहां पर देखो डिस्क्रीपेंसी, पहले तो सबसे पहले ध्यान रखना आप लोग कि जब इस तरह के वर्ड होते हैं ना जिनमें सी वाई लगा रहा है, तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं बेटा वो आपके पास में नाउन की कैटेगरी में जाते हैं, विसंगति या फिर असमानता। ओड जो हो सकता है उसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक। जैसे कि ये एक्स है तो ये क्या हो गया भाई, अब ये दोनों सेम तो नहीं है, क्या इन दोनों को हम लोग सेम बोलेंगे, नहीं, सेम तो है ही नहीं, तो इनमें क्या है, कुछ विभिन्नता है, कुछ असमानता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अ डिफरेंस बिटवीन टू थिंग्स दैट शुड बी द सेम। उनके सेम होते हुए भी जो सेम होना चाहिए था लेकिन सेम नहीं है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वहां पर डिस्क्रिपेंसी हुआ है बेटा, क्या हुआ, डिस्क्रिपेंसी हुआ है, ठीक है। डिस्पैरिटी, इसके लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे, मतलब एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, यहाँ पर पैरिटी जो वर्ड आया है वो इक्वल के लिए आएगा, अनइक्वल हो गया, ठीक है, तो वो इक्वल नहीं है ये कहना चाह रहे हैं वहां पर, ठीक है। इनकंसिस्टेंसी आपके पास में वर्ड होगा, डिसेम्बलेंस, डिसेम्बल आपके पास में वर्ड हो गया एक, और ये सारे के सारे जो वर्ड आपके पास में है ना चीजों के डिफरेंस बताने के लिए आ रहे हैं, सारे के सारे डिफरेंस बता रहे हैं। डिस्क्रीटनेस आपके पास हुआ, डिफरेंस हुआ, वेरिएशन चीजों में आपको दिखाना है, तो वहां पर डाइवर्जेंस वहां पर आपको दिखाना है। डिसएग्रीमेंट, जहां पर चीजों में एग्जिस्टेंस मतलब सभी एक माइंड सेट पर रुके हुए नहीं है, सबके अलग अलग माइंड सेट है, अलग अलग बातों पर सब एग्री हो रहे हैं, ठीक है, तो उनके पास में हो जाएगा डिसएग्रीमेंट, ठीक है। डिस्पैरिटी ऑलरेडी अब कर चुके हैं। डिससिमिलैरिटी, वो सिमिलर नहीं है, एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, ठीक है। इनइक्वालिटी आपके पास हो गया, डिस्टिंक्शन आपके पास हुआ, इरेगुलर आपके पास हुआ, कॉन्ट्रडिक्शन जो आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अपोज करेंगे, ठीक है। डिसअकॉर्ड हो गया, एक दूसरे के अकॉर्डिंग में नहीं है वो, एक दूसरे के अकॉर्डेंस में नहीं है वो, ठीक है,
तो आपके पास में डिसकॉर्डेंस आपके पास वहां पर होगा, अगर अकॉर्डेंस में नहीं है तो डिसकॉर्डेंस में वहां पर होगी। ठीक बेटा, अपोजिट, अपोजिट क्या होगा, जहां पर सब एक बात पे एग्री हो जाएंगे तो उनके बीच में क्या होगा, एग्रीमेंट होगा, हारमनी, वहां पर पीस मेंटेन होगा, एक दूसरे से वहां पर सामंजस्य स्थापित हो रहा होगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी आपको देखने को मिलेगी, कन्फर्मिटी मिलेगी, यूनिफॉर्मिटी मिलेगी आपको, कॉन्ग्रुएंस आपको मिलेगा, कोरस्पोंडेंस वहां पर आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, तो सारे के सारे वर्ड आपके पास इस साइड पर जो है वो अपोजिट है डिस्क्रिपेंसी के। ठीक, अच्छा वर्ड था, आप चाहो तो याद रख सकते हो क्योंकि ये बार बार आजकल रिपीट हो ही रहा है। लेमेंट, लेमेंट वर्ड शायद मैंने आप लोग को प्रीवियस क्लास में बताया कि लेमेंट एक तरीके से कोई शोक होता है, किसी का लव्ड वन और डियर वन उससे उसे दूर चला जाता है, तो उसके लिए जो वो जो दुख होता है, जो ग्रीफ होता है, जो दर्द वो महसूस कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं लेमेंटेशन। तो ये वहां पर होता है, किसी से बिछड़ने का जो दुख होता है उसको बोलते हैं लेमेंटेशन, ध्यान रखना इसका। ठीक है, और जब मतलब मैंने लिटरेचर में पढ़ा था थोड़ा सा, तो अगर किसी के डेथ वगैरह पे ऐसा कुछ शोक शोक वहां पर हो रहा हो तो उसको बोलते हैं मॉर्निंग, वो जो रो रहे होते हैं उसको बोलते हैं मॉर्निंग, कि वो मॉर्निंग कर रहे हैं, दर्द में करा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बेटा मॉर्न करना। ठीक है, और उसके लिए जो उस टाइम पे जो रो रो के कुछ गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं एलिजी, वो एक आपके पास में जो पोइम का जो फॉर्म फॉर्म होता है या फॉर्मेट होता है उसको बोलते हैं एलिजी, जो किसी की डेथ पे गाया जाता है उसको एलिजी बोलते हैं। ठीक है, तो लेमेंटेड आपके पास में हो रहा है तो शोक प्रकट करना, आप वहां पर अपना शोक प्रकट कर रहे हो। अब जैसे कि ये भाई साहब यहाँ पर इनको कर रहे हैं तो हो सकता है या तो इनकी तबीयत खराब हो या फिर हो सकता है क्वाइट पॉसिबल कि इनकी डेथ हो चुकी होगी, तो ये इसको विदा कर रहे हैं। ठीक है, टू एक्सप्रेस सोरो मॉर्निंग और रिग्रेट फॉर ऑफन डेमोंस्ट्रेटिवली। ठीक है, चीजों के लिए आप अपना दुख प्रकट करना चाह रहे हो, डेमोंस्ट्रेट करना चाह रहे हो, लोगों के सामने अपना दर्द बयां करना चाह रहे हो, अपने दिल में जो क्रंदन है उसको लोगों के सामने लाना चाह रहे हो, तो लेमेंटेड वर्ड हम लोग यूज करते हैं वहां पर। ठीक है, मौन करना, ग्रीव करना, वेप्ट फॉर हो गया, बीमोन हो गया वहां पर, डेप्लॉयड हो गया, रिग्रेटेड वहां पर हो गया आपके पास में, सोरो हो गया, मौनफुल हो गया, कमिसरेटेड आपके पास हुआ, साई दर्द में आहे भरना, आह भरना, ठीक है, आह भरना, क्राई कर रहे हो वहां पर, लेमेंटेबल आपके पास, पिटीड, पिटीड मतलब जिसके ऊपर जिसको रोता हुआ देखकर दया आ जाए, ऐसा वर्ड पिटीड, वेल्ड आपके पास हो गया, मॉर्नफुल हो गया, फ्यूनरल, फ्यूनरल पे किसी की डेथ हो जाती है, तो इसलिए मैंने आपसे बोला ना बेटा कि यहाँ पर डेथ के लिए ही इस वर्ड को यूज किया जाता है, पॉसिबिलिटी इसके लिए यही है। ठीक है, ऑपोजिट देखिए, जहां पर दुख नहीं मना रहे तो खुशियां मना रहे होंगे, खुशियां मना रहे हैं तो सेलिब्रेट करेंगे, रिजॉइस करेंगे, अपलोड होगा, अपलोड करना किसी को अप्रिशिएट करने के सेंस में हम लोग कन्वे करते हैं। ठीक है, एक्सल्टेड देयर इज अ वर्ड, चीयर हो गया, प्रेज हो गया, डिलाइटेड हो गया और अपलोडेड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग बढ़ते हैं, अगला वर्ड कौन सा है अपने पास में, एंटिसिपेट करना। ओके, अब टू एक्सपेक्ट समथिंग टू हैपन, कि कुछ होने वाला है और उसको लेके आप पहले से प्रिपेयर होते हो तो एंटिसिपेट, जैसे कि दोनों, अरे वाह 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 खाने को मिलेगा, कुछ अच्छा अच्छा आएगा, ऐसा कुछ, अगर ऐसा कुछ बाहर माहौल बन रहा होगा तो उस बात को लेके एक्साइटेड हो रहे हैं, तो एक तरह का जो एक्साइटमेंट होता है कि वो चीज होने वाली होती है, तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं कि एंटिसिपेट, ये हम लोग आगे की जो होने वाली चीजें हैं फ्यूचर में, जो फ्यूचर में होने वाली चीजें हैं उनको लेके हम लोग एंटिसिपेट करते हैं, कुछ अजम्पशंस लगाते हैं जो एग्जैक्ट हो सकते हैं, मतलब उनके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि वैसे तो देखो जितनी भी संभावनाएं लगा जाती है ना बेटा वो सारी की सारी गलत होती है। ठीक है, उनको नेगेटिव वे में ही रखा जाता है, लेकिन एंटिसिपेट को थोड़ी हद तक एक पॉजिटिविटी देने के काम किया गया है, ये वर्ड ऐसा है जो थोड़ा सा पॉजिटिविटी मेंटेन करके रखता है। ठीक, एज एक्सपेक्टेड, जैसा वहां पर एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कुछ हो रहा हो, फोरसीन जिसको पहले से देख लिया गया हो, एनविसेक्ट वहां पर हो गया, प्रेडिक्टेड जिसको पहले ही बोल दिया गया हो, प्रोजेक्टेड वैसा ही हो रहा हो, फोरकास्ट अब वैसा ही चल रहा हो, इमेजिन कर रहे हो, प्लान कर रहे हो वैसा, प्रिपेयर हो रहे हो किसी के लिए, फोरटोल्ड पहले ही बता दिया गया हो, अवेटेड जिसका बस इंतजार हो रहा है, जिसको पता है कि ये हो रहा है और बस अब होएगा। ठीक है, काउंटेड, विजुलाइज्ड, एंटिसिपेटेड और एनविजन जिसको देखा जा रहा है। ऑपोजिट क्या होगा बेटा इसका, जिसके बारे में किसी को पता नहीं था क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था, और जो चीज अनएक्सपेक्टेड होती है तो फिर वो क्या होती है, सरप्राइज तो होगी ना, इसको ऐसे क्या समझे, हाँ इसको ऐसे समझो, हाँ
आप बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, घर पे गधे हो, बिल्कुल कामचोर हो, ठीक है। और आपके मम्मी पापा उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारा जो लड़का है वो, इसके लक्षण ठीक नहीं है तो ये फेल होएगा, लेकिन आप अचानक से पास हो जाते हो, आपका यूपीएससी में सिलेक्शन, आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए भैया आप, ठीक है। तो ओह, तो उनको तो क्या मिलेगा, सरप्राइज, ठीक है, उनको सरप्राइज मिल जाएगा, ठीक है। अनफॉर्चून, अनएक्सपेक्टेड, उनके लिए वो चीज होगी अनएक्सपेक्टेड होगी, बिल्कुल अनप्रिडिक्टेड, अनएंटिसिपेटेड, जिसको सोच भी नहीं सकते वो, इतनी खुशी मिलेगी, ठीक है। स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस शानदार, ठीक है। अनप्लान्ड और अब्रप्ट, इससे वर्ड हो जाएंगे इसके लिए, ठीक बेटा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग बने, इंसिपिट। इंसिपिट खाना हो लेकिन बेस्वाद हो, फीका फीका सा हो। कहीं शादी में गए, शादी में गए, वहां पर खाना खाया, मजा नहीं आया, खाने का मजा नहीं था। कैसा खाना था, इंसिपिट खाना था, फीका सा था, बेरुखा सा, बेमतलब का था, बेस्वाद खाना था, तो उसको हम लोग बोलते थे, ठीक है। फिर उसमें कहें कि क्या कहें, क्या करें इसका, चल कहीं चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, वहीं पे खाएंगे। तो वहां पर उस कंडीशन में आप जाके कुछ अच्छा टेस्ट ढूंढने की कोशिश करते हो, हैविंग टू लिटिल टेस्ट, जिसमें बहुत कम टेस्ट आ रहा हो, खाने का मजा नहीं आ रहा हो, फ्लेवर नहीं हो या फिर कोई कलर नहीं हो, जैसे ये देखो, ओ, खा लेंगे, खाएंगे तो क्या है ये। एक होता है इसको मन से खाया, अभी इस छोरी के सामने यहाँ पर पिज्जा विज्जा रखे होते हैं, भाई साहब के साथ ठूस ठूस के खाती, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन आपके पास में कैसी हो रही है, इनसिपिड हो रही है, फीका, कोई चीज बेस्वाद होगी आपके पास, ये क्वालिटी बताने वाला वर्ड है, तो एडजेक्टिव में जाएगा। ब्लैंड होगा, टेस्टलेस, सिंपल सा मीनिंग है इसका, डल, फ्लैट, फ्लेवरलेस, वेपिड हो गया, ठीक है। अनएपिटाइजिंग, अनएपिटाइजिंग तो कहना गलत होगा, ऐसा नहीं कि पेट में नहीं पचेगा, पचेगा तो सही, पर प्लेजर नहीं मिलेगा, जो मजा आना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, प्लेन है, सिंपल है। टेडियस हो गया, बोरिंग सा, अनइंटरेस्टिंग, लाइफलेस एंड ब्रेव, मोनोटोनस, मोनोटोनस मतलब फीका सा, मजा नहीं आया। स्टिल, लेकलस्टर, इसमें कुछ तो कमी लग रही है, इसमें कुछ होना चाहिए था, तड़क भड़क होनी चाहिए थी, वो नहीं है इसमें। ऑपोजिट क्या होगा, जो चीज अपने आप में बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होती है, जिसमें बहुत फ्लेवर्स होते, मुंह में पड़ते हैं भाई साहब, मजा आ गया, वो वाला फ्लेवरफुल, जेस्टी, स्पाइसी, टेस्टी, एक्साइटिंग, लाइवली, स्टिमुलेटिंग, स्टिमुलेट, स्टिमुलेट, अभी हम लोग देख के आए ना वर्ड, ठीक है। तो वहां पर किस चीज से आपको बस मजा आ जाए, जोश आ जाए, एक्साइटेड, एक्साइट हो जाओ थोड़ा सा, पिक्यूएट, ऐसा वर्ड है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो उस साइड पे है वो ऑपोजिट है किसके, इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब क्या होता है, फीका या फिर बेस्वाद, जिस पे बिल्कुल भी टेस्ट नहीं हो तो टेस्टलेस होता है वो। ये सारे के सारे सिंपल सिनोनिम्स हैं आपके पास भी। अगला वर्ड फेरवर, फेरवर का मतलब बेटा होता है जोश, किसी चीज को लेके आप में स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो, वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स अबाउट समथिंग, एंथुसियाज्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं जील, जिल भी इसका एक सिमिलर वर्ड है। पैशन, किसी काम को करने का आपको बहुत मन है कि नहीं मेरे को तो ये करना ही है, तो वो आपके पास में उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि पैशन है आपका, एंथुसियाज्म है वहां पर, जैसे कि ये देखो, ये देखो, ये सब, ये अंदर से एकदम से इनमें कुछ हो जाता है, ठीक है। अर्डर, इंटेंसिटी, ईगरनेस, एक्साइटमेंट हो जाता है, डिवोशन इतना ज्यादा हो जाता है वहां पर कि वो फिर एक तरीके से आपके अंदर जोश भर देता है, फेरवर भर देता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपके पास में हो गया, फेरविडनेस आपके पास हुआ, स्पिरिट हुआ, फ्रेंजी हुआ, फायर हुआ, हीट हुआ, एनिमेशन हुआ, विगोर हुआ बेटा, ठीक। ऑपोजिट क्या होगा इसका, अपैथी, इंडिफरेंस, आपको कुछ नया नहीं लग रहा है, बस जैसा था वैसे ही है, सिंपल, शांत, एज इट इज, और की तरह, लेथार्जी, आपको हो सकता है और बोरिंग वाली फीलिंग आ रही है लेथार्जी में, ठीक है। डिसइंटरेस्ट, जिसको आप बेरुखे से कर रहे हो, डिटेचमेंट आप वहां पर फील कर रहे हो, अनकंसर्न, कूलनेस वहां पर आपको मिल रही है, मतलब एक अच्छी वाइब नहीं आ रही, आपको फील नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे कि ये आपके पास में, उसके लिए ये वर्ड होंगे। और जहां पर आपको जोश आ जाए कि नहीं मेरे को तो करना ही है ये काम, तो उसके लिए फरवर हम लोग वहां पर वर्ड यूज करेंगे, ठीक बेटा। ये सारे के सारे वर्ड आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। द नेक्स्ट वर्ड स्टीड, स्टीड का मतलब होता है किसी को रास्ते पर लाना या फिर चलाना, दैट मीन्स आप किसी को डायरेक्शन दे रहे हो, जैसे कि ये इस गाय को डायरेक्शन देने का काम कौन कर रहे हैं, ये भाई साहब, कि इधर उधर, टू कंट्रोल द डायरेक्शन दैट अ व्हीकल इज गोइंग ऑन, कोई भी चीज हो, सिर्फ व्हीकल की बात नहीं हो रही है, आप व्हीकल कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है, कि व्हीकल को ही कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं, किसी भी किसी को भी आप कंट्रोल कर रहे हो और उसको डायरेक्शन दे रहे हो, जैसे कि ये आप कर रहे हो, तो ये भी स्टीड ही हो गया,
ठीक है बेटा, तो एक तरीके से ईडी लगा हुआ है, वो आपका काम करेगा, डायरेक्टेड गाइडेड नेविगेटेड पायलट, कंट्रोल कर रहे हो आप, मैन्युवर कर रहे हो, कंडक्ट कर रहे हो, सेल कर रहे हो, सेल मतलब जो आप नाव होती है उसमें सेलर होते हैं, उसको डायरेक्शन देने का काम कौन करता है, सेलर। ड्रो लेड चार्टेड राउटेड गाइडेड हो गया, मूव हो गया, ऑपरेटेड हो गया, मैनेज्ड हो गया, ठीक। ऑपोजिट देखिए, मिसगाइड कर दिया, डायरेक्शन देने की जगह उसको गाइड नहीं करके मिसगाइड कर दिया, मिसलीड कर दिया, अबेंड कर दिया, या फिर छोड़ दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, डिसरिगार्ड कर दिया, इग्नोर कर दिया, रिलीज कर दिया, या फिर जाने दिया कि जो जा रहा है जाने दो, भाड़ में जाने दो। तो सारा का सारा जो सिचुएशन आपके पास बनेगा ना बेटा, वो आपके पास में ऑपोजिट बनेगा स्टेट का। स्टेट में आप उसको क्या कर रहे हो, गाइड कर रहे थे, इसको डायरेक्शन दे रहे थे, और यहाँ पर उसकी डायरेक्शन आप छीन रहे हो या फिर डायरेक्शन दे ही नहीं रहे हो, तो वो ऑपोजिट होगा, ठीक। तो आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आ गए हो, नहीं समझ में आए हो तो एक बार वापस से इसको रिप्ले करना, तो आपको वापस से क्लियर हो जाएंगे। स्टिल फिर भी कोई दिक्कत रहे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका आंसर करूंगा, पक्का मैं सबके आंसर करता हूँ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, सी यू।